मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूँ हमारे भरल जायसवाल चैनल में। चलिए न डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारसुड़ा में इंसानियत का एक झलक देखने को मिला। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोविड वॉरियर जेमा किसान आगे बढ़ते हुए एक वृद्ध व्यक्ति की मदद की। ओडिशा विजिलेंस द्वारा ब्रिजाज नगर म्युनिसिपालिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिलीप पटेल के घर और अन्य जगहों पे विजिलेंस की 6 टीम द्वारा रेड किया गया, जिसमें 3,42,82,000 रुपए संपत्ति को जब्त किया गया। ओडिशा में पहले जैसे खुले जाएंगे रेस्टोरेंट और बार। टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा घोषणा किया गया कि बार और रेस्टोरेंट में डाइनिंग की सुविधा फिर से उपलब्ध की जाएगी। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने फिर से 118 चाइनीज मोबाइल ऐप को किया बैन, जिसमें से पॉपुलर गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। हमने कुछ दिन पहले जानवर और एक्सीडेंट के बारे में ट्विटर में वोटिंग पोल किया था, जिसमें 107 लोगों ने वोट दिया, जिसमें से 45% लोग म्युनिसिपालिटी को, 42% लोग गायों के मालिक को और 13% लोगों ने वाहन चालकों को एक्सीडेंट का जिम्मेदार बताया। झारसुड़ा में बीते 24 घंटे में आए 60 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले। उनमें से होम क्वारंटाइन आफ्टर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के 57 मरीज और इंस्टीट्यूशनल और पेड क्वारंटाइन के 3 मरीज थे। झारसुड़ा म्युनिसिपालिटी के 27, बिलपहाड़ म्युनिसिपालिटी के 10, बिजाज नगर म्युनिसिपालिटी के 6, झारसुड़ा ब्लॉक के 9, लखनपुर ब्लॉक के 2, लेकरा ब्लॉक के 2 और किरमिरा ब्लॉक के 4 मरीज थे। टोटल मरीजों की संख्या पहुंची 1380 तक और बीते 24 घंटे में 13 मरीज ठीक भी हुए। टोटल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पहुंची 888 तक, लेकिन अभी भी 491 केस एक्टिव हैं। कुछ जगहों से कंटेनमेंट जोन को हटाया गया, उनमें से रामगढ़ 1, रामगढ़ 2, ब्रिजाज नगर, लेमटीबहाल 2, ब्रिजाज नगर, नुहाडीह, ब्रिजाज नगर, रेलवे कॉलोनी, ब्रिजाज नगर, जीएम ऑफिस क्वार्टर नंबर 19-23, ब्रिजाज नगर, रवनापड़ा, पंद्री पत्थर, ग्राम पंचायत बड़माल, मटन शॉप बूंदिया, पंचपुगड़िया लखनपुर, कुंभरपड़ा, ब्रिजाज नगर, आरपीएफ बैरक, साउथ ईस्ट रेलवे, ब्रिजाज नगर, न्यू गोरपड़ा, बंदवाहा, लखनपुर, नुआपड़ा, ईएसआई चौक, ब्रिजाज नगर। उड़ीसा में अब तक कोरोना से पीड़ित होने वाले मरीजों की संख्या पहुंची 1,09,780 तक, जिनमें से 84,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 25,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। और बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि 514 लोग अब तक कोरोना से मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं। इंडिया में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में आए सर्वाधिक 78,357 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले। अब तक कुल कोरोना से पीड़ित होने वाले मरीजों की संख्या पहुंची 37,69,524 तक, जिनमें से 29,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। और बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि 66,000 से ज्यादा मरीज अभी तक मारे जा चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे भरल झारसुड़ा के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल को।